YouTube चैनल को सक्सेस बनाने के लिए वीडियो एडिटिंग का एक अहम रोल होता है, क्योंकि जब हम वीडियो शूट करते हैं तो उसमें काफी सारी गैर जरूरी चीजें भी आ जाती है जिनकी कोई जरूरत नहीं होती, और काफी सारी चीजें ऐसी होती है जो बोलने से समझ में नहीं आती है, तो उनका स्क्रीनशॉट दिखाना होता है, उनके बारे में लिखना होता है, सबटाइटल ऐड करने होते हैं, तो ये सारे काम किए जाते हैं वीडियो एडिटिंग में। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप अपने YouTube चैनल के लिए मोबाइल फोन से वीडियो एडिट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मोबाइल फोन पर वीडियो एडिटिंग के लिए सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है KineMaster। KineMaster में आप प्रोफेशनली वीडियोस एडिट कर सकते हैं। इसमें वो सभी फीचर्स दिए गए हैं जो एक बेहतरीन वीडियो एडिटिंग के लिए ज़रूरी होते हैं। KineMaster के 2 वर्जन्स हैं, एक फ्री वर्जन है जिसको आप फ्री में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें KineMaster का वाटरमार्क आपको देखने को मिलेगा, जबकि पेड वर्जन में आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिलेंगे और साथ ही KineMaster का वाटरमार्क भी आपको नहीं मिलेगा। तो KineMaster में वीडियोस एडिट करने के लिए पहले आपको एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना होगा, जिसके लिए आप यहाँ क्रिएट प्रोजेक्ट प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको रेशियो चूज कर लेना है। अगर आप YouTube के लिए वीडियो बना रहे हैं तो आपको यहाँ पर 69 चूज कर लेना है। प्रोजेक्ट में पहले आपको अपना वीडियो इंसर्ट कर लेना है जिसको आप एडिट करना चाहते हैं, जिसके लिए आप मीडिया पर क्लिक करेंगे। यहाँ से जिस फोल्डर में भी आपका वीडियो रखा हुआ है उसको आप सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि यहाँ पर इस वीडियो को मैंने सिलेक्ट कर लिया है। टाइमलाइन में वीडियो इंसर्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं। वीडियो इंसर्ट करने के बाद सबसे पहले जो गैर जरूरी पार्ट है, अननेसेसरी पार्ट है, उसको ट्रिम किया जाता है। तो ट्रिम करने के लिए पहले आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे कि कहाँ से आपको ट्रिम करना है। जैसे कि मान लीजिए मुझे यहाँ से ट्रिम करना है तो सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर एक सीजर का आइकन है, इस पर क्लिक करेंगे। इसमें देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है ट्रिम टू लेफ्ट ऑफ प्लेहेड। प्लेहेड का जो लेफ्ट पार्टीशन है, अगर आप इसको ट्रिम करना चाहते हैं तो आप पहला ऑप्शन चूज करेंगे, लेकिन अगर आपको प्लेहेड का राइट पार्टीशन ट्रिम करना है तब आप यहाँ सेकेंड ऑप्शन चूज करेंगे। देखिए मैंने सेकेंड ऑप्शन चूज किया और इसका जो राइट का पार्टीशन था वो डिलीट हो चुका है। अगर आप कहीं से स्प्लिट करके पार्ट को निकालना चाहते हैं, जैसे कि वीडियो के बीच में कोई ऐसा पार्ट है जो अननेसेसरी है, जरूरी नहीं है, तो आप वहां पर प्ले हेड को लाएंगे। इसके बाद स्प्लिट 8 प्ले हेड वाला ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे। देखिए स्प्लिट हो गया है। इसके बाद जहां तक आपको डिलीट करना है वहां पर आप प्ले हेड को लाएंगे और दोबारा से स्प्लिट पर क्लिक करेंगे तो वहां से ये स्प्लिट हो जाएगा। अब जो बीच का पार्ट है इसको आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ डिलीट पर क्लिक कर देंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ पर जो आपने डिलीट किया है इसमें आप कोई एनिमेशन भी डाल सकते हैं, जिसके लिए आप यहाँ स्कर्ट पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ढेर सारे ट्रांजिशन इफेक्ट्स आ जाएंगे। आप कोई भी ट्रांजिशन इफेक्ट यहाँ डाल सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं 3D डाल देता हूँ, ये वाला मैंने चूज़ किया, तो अभी यहाँ पर ओके कर देता हूँ। अभी यहाँ पर वीडियो प्ले करके आप देख सकते हैं कि किस तरह का यहाँ पर एनिमेशन देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप ट्रिम कर सकते हैं और स्प्लिट कर सकते हैं। ट्रिम यूज़ किया जाता है लेफ्ट राइट पार्टीशन को डिलीट करने के लिए, और स्प्लिट यूज़ किया जाता है किसी बीच के पार्ट को डिलीट करने के लिए। अब मुझे अपनी वीडियो में एक इंट्रो ऐड करना है, तो इंट्रो ऐड करने के लिए पहले आप देखेंगे कि कहाँ पर आपको इंट्रो डालना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर इंट्रो ऐड करना है, तो यहाँ पर क्लिप को सिलेक्ट करेंगे, सीजर पर क्लिक करेंगे और स्प्लिट 8 प्ले हेड का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे, जिससे ये स्प्लिट हो जाएगा, मतलब अलग हो जाएगा। अब यहाँ पर इंट्रो ऐड करने के लिए आप मीडिया पर क्लिक करेंगे और जिस फोल्डर में भी आपका इंट्रो रखा हुआ है उसको आप सिलेक्ट करके ओके कर देंगे, तो आप देख सकते हैं कि इंट्रो यहाँ पर ऐड हो गया है। इंट्रो से पहले आप यहाँ पर कोई ट्रांजिशन इफेक्ट भी डाल सकते हैं, जिसके लिए आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा और जो भी आपको ट्रांजिशन इफेक्ट डालना है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसी तरीके से इंट्रो के लास्ट में भी आप कोई ट्रांजिशन इफेक्ट डाल सकते हैं, जैसे कि इसमें भी यहाँ पर मैं यही इफेक्ट डाल देता हूँ। अब यहाँ पर प्ले करके देखेंगे तो आप देख सकते हैं एक अच्छा सा इफेक्ट यहाँ पर आ गया है और साथ ही इंट्रो भी प्ले हो गया है।
इसके बाद हमें एक लोगो ऐड करना होता है लेफ्ट या राइट कॉर्नर पर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लेयर पर क्लिक करेंगे। लेयर में एक ऑप्शन दिया गया है इमेज का, इस पर क्लिक करेंगे। जिस फोल्डर में भी आपका लोगो रखा हुआ है सिलेक्ट करके उसको ओके कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए लोगो आ गया है। पहले तो आप इसका साइज यहाँ पर छोटा कर लीजिए इस तरीके से, फिर आप इसको उठा करके जिस कॉर्नर पर भी रखना चाहते हैं वहां पर रख दीजिए इस तरीके से। अब यहाँ पर हमने लोगो रख दिया है, तो अगर आप चाहें तो लोगो को भी कोई एनिमेशन दे सकते हैं, जिसके लिए इन एनिमेशन पर आप क्लिक करेंगे। आप फेड, पॉप, इस तरह के यहाँ पर एनिमेशन दे सकते हैं, जैसे कि मैं पॉप यहाँ पर दे देता हूँ। इसके बाद आपको क्या करना है कि इस लोगो को आप स्क्रॉल करके पूरी वीडियो में अप्लाई कर देंगे इस तरीके से। जहां तक भी आपका वीडियो है पूरे वीडियो में आप इसको अप्लाई कर दीजिए, जिससे ये आपके पूरे वीडियो में शो होगा। इसी तरह से अगर आपको अपने वीडियो के बीच में कोई इमेज ऐड करनी है, तो उसके लिए आप लेयर पर क्लिक करेंगे, इमेज पर क्लिक करेंगे, जिस फोल्डर में भी आपकी इमेज रखी हुई है सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि हमारे टॉपिक से रिलेटेड एक इमेज है, इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा करेंगे और यहाँ पर इसको इंसर्ट कर देंगे। इसमें भी आप कोई एनिमेशन ऐड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर फेड, पॉप, इस तरह के एनिमेशन दिए गए हैं। आप कोई भी एनिमेशन ले सकते हैं। अगर आपको पूरी इमेज पर एनिमेशन ऐड करना है तो आप ओवरऑल एनिमेशन वाला ऑप्शन चूज कर लेंगे। इसमें ये पूरी वीडियो में ब्लिंक करता रहेगा, फ्लिक करता रहेगा, तो आप जो भी यहाँ पर चूज करेंगे वही ये पूरी वीडियो में करता रहेगा। जैसे कि अगर मैं ये वाला ऑप्शन चूज कर लेता हूँ तो आप देखेंगे कि पूरी वीडियो में यही इफेक्ट आपको देखने को मिलता रहेगा। तो यहाँ पर इसको हम सिलेक्ट करेंगे तो इन एनिमेशन और ओवरऑल एनिमेशन में यही फर्क है कि इन एनिमेशन सिर्फ शुरू में शो होता है, ओवरऑल एनिमेशन पूरी वीडियो में शो होता है, जबकि आउट एनिमेशन वीडियो के लास्ट में शो होता है। जैसे कि यहाँ पर ये इमेज है, इसमें हम लास्ट वाला चूज कर लेते हैं फेड, ओके। अब इसको हम सिलेक्ट करके जो ओवरऑल एनिमेशन है उसको हम यहाँ से नन कर देते हैं। अब आप देखेंगे कि सिर्फ शुरू में और लास्ट में एनिमेशन आएगा, पूरी वीडियो में एनिमेशन नहीं आएगा। इसी तरीके से इस इमेज को भी आप जितनी वीडियो में रखना चाहते हैं वहां तक आप इसको स्क्रॉल कर दीजिए। इसी तरह से अगर आपको दूसरा इमेज ऐड करना है तो आप प्ले हेड को उसी जगह पर लाएंगे जहां पर आप इमेज ऐड करना चाहते हैं, फिर से लेयर पर क्लिक करेंगे, इमेज पर क्लिक करेंगे और जो भी इमेज आप ऐड करना चाहते हैं उस इमेज को यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, रोटेट भी कर सकते हैं और जहाँ पर भी आप चाहें इसको उठा करके रख सकते हैं। इसमें भी आप इन एनिमेशन, ओवरऑल एनिमेशन और आउट एनिमेशन ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आता है बैकग्राउंड म्यूजिक। YouTube पर जितने भी वीडियोस पब्लिश किए जाते हैं मोस्टली सभी में एक बैकग्राउंड म्यूजिक भी होता है। बैकग्राउंड म्यूजिक लगाने के लिए आप यहां ऑडियो पर क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल फोन में जितने भी म्यूजिक होंगे वो सब आपके सामने आ जाएंगे। और अगर आप चाहें तो म्यूजिक एसेट्स पर क्लिक करके काइनमास्टर के जो अपने म्यूजिक्स हैं उनको भी आप यूज कर सकते हैं। और अगर आपने कहीं रिकॉर्ड किया हुआ है तो आप रिकॉर्डेड पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने रिकॉर्डेड म्यूजिक आ जाएंगे, वो भी आप यहां इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको अपनी डिवाइस का कोई म्यूजिक ऐड करना है तो आप सॉन्ग्स पर क्लिक करेंगे, आपके सामने आपकी डिवाइस के म्यूजिक्स आ जाएंगे। आपको जिस म्यूजिक को भी ऐड करना है उस पर क्लिक करना है, यहां पर आप उसको सुन भी सकते हैं और प्लस आइकन पर क्लिक करके आप उसको पूरे वीडियो में अप्लाई भी कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये पूरे वीडियो में आ गया है। अगर आप इस बैकग्राउंड म्यूजिक की वॉल्यूम को कम करना चाहते हैं, जैसे कि आपकी जो वॉल्यूम है वो ज्यादा रहे और बैकग्राउंड म्यूजिक जो है वो हल्का हल्का सुनाई दे, तो इसके लिए आप बैकग्राउंड म्यूजिक को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर तीन ऑप्शन है, वॉल्यूम, इक्वलाइजर और एक थर्ड ऑप्शन है। थर्ड वाले पर आप क्लिक करेंगे, वॉल्यूम इनवलप। तो यहाँ से आप इस वॉल्यूम को कम या ज्यादा कर सकते हैं। कम करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं वॉल्यूम कम हो गई है। जहां पर भी आपको कम रखना है वहां पर ही आप इसको कम कर सकते हैं इस तरीके से। पूरी वीडियो में जहां पर आप बोल रहे हैं वहां पर आप बैकग्राउंड म्यूजिक को कम कर सकते हैं और जहां पर आप चुप हैं वहां पर आप इस बैकग्राउंड म्यूजिक को बढ़ा सकते हैं इस तरीके से। तो जैसे कि आपने काफी सारे वीडियोस देखे होंगे कि जब कोई पर्सन बात करता है तो बैकग्राउंड म्यूजिक हल्का हो जाता है और जब वो चुप हो जाता है तो बैकग्राउंड म्यूजिक तेज हो जाता है, तो वो यहीं से किया जाता है वॉल्यूम इनवलप से। यहाँ से आप बैकग्राउंड म्यूजिक को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। इसके बाद ओके, इसमें जो वॉल्यूम वाला ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करके वॉल्यूम को सेट भी कर सकते हैं कि आपको राइट में कितना रखना है, लेफ्ट में कितना रखना है। और साथ ही आप इक्विलाइजर भी यहाँ पर सेट कर सकते हैं। इक्विलाइजर आइकन पर क्लिक करेंगे तो आप बॉस बूस्ट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, नेचुरल आप कर सकते हैं,
तो यहाँ पर आपको सारे ऑप्शंस इसके मिल जाएंगे। अगर आपको वॉइस चेंज करनी है तो आप वॉइस भी चेंज कर सकते हैं। वॉइस चेंजर पर क्लिक करके यहाँ पर काफी सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें आप आवाज को बच्चे की, रोबोट की, मैन की, वोमेन की, किसी की भी बना सकते हैं। इसके अलावा टैक्स यूज किया जाता है, तो अगर आपको कहीं पर अपने वीडियो में टैक्स ऐड करना है तो आप लेयर पर क्लिक करेंगे। इसमें आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा टैक्स का, आप टैक्स पर क्लिक करेंगे। आपको जो भी टेक्स्ट ऐड करना है वो आप यहाँ पर टाइप कर देंगे, जैसे कि मैं डाल देता हूँ जियो क्लाउड। आपका जो कीबोर्ड है इसको आप कहीं पर भी उठा करके रख सकते हैं। इसके बाद आप ओके करेंगे तो यहाँ पर देखिए टेक्स्ट आ गया है। इसको आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। अब जब आपने टेक्स्ट ऐड किया है तो टेक्स्ट की भी आपको सेटिंग्स मिल जाएगी, जैसे कि पहले आप फॉन्ट यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, कौन सा फॉन्ट आपको रखना है। इसमें काफी सारे फॉन्ट्स दिए गए हैं, ओके। इसमें आपको इन एनिमेशन, आउट एनिमेशन, ओवरऑल एनिमेशन तीनों ऑप्शन मिल जाएंगे। मैंने आपको बता दिया है इन एनिमेशन मतलब शुरू में, आउट एनिमेशन मतलब लास्ट में, ओवरऑल एनिमेशन मतलब पूरे वीडियो में शो होता रहेगा। जैसे कि अगर आप ब्लिंक चूज करेंगे तो पूरे वीडियो में ये ब्लिंक करता रहेगा, पल्स चूज करेंगे तो पल्स चलती रहेगी। इसी तरह से यहाँ पर आप कोई भी एक एनिमेशन चूज कर सकते हैं। रेन चूज करेंगे तो यहाँ पर बारिश होने लगेगी टेक्स्ट की। चलिए हम इसको नन करते हैं और हमें यहाँ पर इन एनिमेशन चूज करना है। स्टार्टिंग में यहाँ पर एक एनिमेशन देखने को मिलेगा। टेक्स्ट को आप यहाँ पर आउटलाइन भी दे सकते हैं, शेडो भी दे सकते हैं। देखिए यहाँ पर इनेबल कर दीजिए, शेडो आ गई है। और अगर आप चाहें तो इसको ग्लो भी दे सकते हैं, ग्लो का ऑप्शन भी आपको नीचे यहाँ पर मिल जाएगा। इसमें आपका टेक्स्ट ग्लो करेगा। ग्लो को आपको ये कलर भी दे सकते हैं, किस कलर का ग्लो आप इसको देना चाहते हैं। इस तरीके से आप इसको एक कोने में सेट कर दीजिए। साइज भी आप इसका यहाँ पर छोटा या बड़ा कर सकते हैं, ओके। तो इस तरीके से आप टेक्स्ट ऐड करेंगे। टेक्स्ट को आप जितने भी वीडियो में रखना चाहते हैं आप इस तरीके से स्क्रॉल करेंगे। अगर आप वीडियो में कहीं पर कोई ट्रांजिशन इफेक्ट डालना चाहते हैं तो आप वहां पर प्ले हेड को लाएंगे, क्लिप को सिलेक्ट करेंगे और सीजर पर क्लिक करके स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट करते ही यहाँ पर एक कट हो जाएगा, इस कट को आप सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने ट्रांजिशन इफेक्ट्स आ जाएंगे। जो भी इफेक्ट आप डालना चाहते हैं वो इफेक्ट आप यहाँ पर चूज कर लीजिए। अब यहाँ पर मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर एक ट्रांजिशन आ चुका है। तो इस तरह से आप ट्रांजिशन कहीं भी ऐड कर सकते हैं, जिसके लिए आपको जस्ट क्लिप को सिलेक्ट करना होगा, सीजर में जाकर स्प्लिट कर देना है। स्प्लिट हो जाएगा तो यहीं से आप इस पर क्लिक करके इसमें कोई ट्रांजिशन इफेक्ट डाल सकते हैं इस तरीके से। देखिए यहाँ पर आप कोई टाइटल भी ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई टाइटल आप डाल सकते हैं, जैसे कि मैं डाल देता हूँ जियो क्लाउड, जिस बारे में हमारा ये वीडियो है, ओके। अभी यहाँ पर ये प्ले होगा तो देखिए कितना अच्छा यहाँ पर एक इफेक्ट देखने को मिलेगा। आप यहाँ प्ले करिए इस तरीके से। तो इस तरीके से यहाँ पर आप ट्रांजिशन इफेक्ट्स, अपना इंट्रो, कोई इमेज, अपना लोगो, बैकग्राउंड म्यूजिक, सब कुछ आप यहाँ पर ऐड करेंगे। इसके बाद आपको अपना वीडियो रेंडर करना होगा YouTube पर पब्लिश करने के लिए, जिसके लिए आप यहाँ शेयर बटन पर क्लिक करेंगे। शेयर बटन में आप यहाँ रेजोल्यूशन पहले तो चूज कर लेंगे। अगर आप फुल HD चूज करेंगे तो इसका साइज ज्यादा रहेगा, और अगर आप 720 पिक्सल चूज करेंगे तो HD रहेगा लेकिन साइज थोड़ा कम हो जाएगा। अगर आपको और साइज कम करना है तब आपको SD चूज करना होगा, लेकिन YouTube के लिए आपको हमेशा या तो फुल HD या फिर HD चूज करना चाहिए। फ्रेम रेट में यहाँ पर 30 रहने दीजिए। इसके बाद यहाँ पर क्वालिटी है, जितना आप लो करेंगे उतना ही इसका साइज कम होगा, जितना आप हाई करेंगे उतना ही इसका साइज बढ़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं फुल हाई करने पर इसका साइज हो गया है 249 MB। तो अगर आप इसका साइज कम करना चाहते हैं तो आप इसका बिटरेट कम रखेंगे। बिटरेट कम से कम आपको 8 MB तो यहाँ पर रखना चाहिए। अब आप देख सकते हैं इसका साइज हो गया है 86 MB। एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे, आपका वीडियो एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगा। एक्सपोर्टिंग में कितना टाइम लगेगा ये डिपेंड करता है आपकी वीडियो लेंथ पर और आपकी एडिटिंग पर। जितनी लंबी आपकी वीडियो होगी, जितना ज़्यादा उसका साइज होगा, उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा उसको एक्सपोर्ट होने में। देखिए यहाँ पर पूरा वीडियो एक्सपोर्ट हो चुका है, तो यहाँ प्ले बटन पर क्लिक करके आप इसको प्ले करके भी देख सकते हैं। सो इस तरीके से आप अपने मोबाइल फोन पर अपने YouTube चैनल के लिए प्रोफेशनली वीडियोस एडिट कर सकते हैं। सो आई होप कि वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।